है एवरी वन, वेलकम बैक। आज बात करेंगे हम आईफा अवार्ड 2019, ये हिमाचल प्रदेश पटवारी एलाइड एंड ऑल हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम, नेशनल एग्ज़ाम एंड स्टेट लेवल एग्ज़ाम, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। हम पहले आपको पता होना चाहिए आईफा अवार्ड कब हुआ था, वो हुआ था 18 सितंबर 2019, एवरी ईयर होता है। और ये इस आईफा की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। ओके, कब हुआ था? 18 सितंबर 2019 को। अब हम कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं जो इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। जैसे आईफा अवार्ड, फर्स्ट क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2019 में किस फिल्म स्टार ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? वो थी आलिया भट्ट ने जीता। किस फिल्म के लिए जीता? वो है राजी मूवी के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया था। सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं, आईफा अवार्ड 2019 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट एक्टर का अवार्ड की बात करूं, वो दिया गया है रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को किस मूवी के लिए दिया गया? पद्मावत मूवी के लिए यह अवार्ड दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, आईफा अवार्ड 2019 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड की बात करूं तो वो है श्री राम राघवन को ये फिल्म बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। और ये इन्हें अंधाधुन मूवी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी एग्ज़ाम हो या कोई भी नेशनल स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, सभी में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आईफा अवार्ड 2019 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड, मतलब कि अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री कौन सी है? वो है अदिति राव हैदरी जी। इन्हें फिल्म पद्मावत के लिए ये अवार्ड दिया गया, इन्हें भी पद्मावत मूवी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, आईफा अवार्ड 2019 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वो थे विकी कौशल। किस मूवी के लिए दिया गया? वो संजू मूवी के लिए ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है। किसे? विकी कौशल जी को। आगे बात करते हैं, आईफा अवार्ड 2019 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड किसे दिया गया? वो है अरिजीत सिंह को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है। इन्हें फिल्म राजी में ए वतन सॉन्ग के लिए अवार्ड दिया गया, ए वतन सॉन्ग है उसमें राजी मूवी में, उसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ आज मैं। आईफा अवार्ड 2019 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड किसे दिया गया? वो है, ये दो 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 लड़कियों को दिया गया है, एक तो है हर्षदीप कौर एंड विवा सराफ जी को। इन्हें फिल्म राजी में दिलवारो सॉन्ग के लिए ये अवार्ड दिया गया है। आगे बात करते हैं, आईफा अवार्ड 2019 में बेस्ट डेब्यू अवार्ड फीमेल का अवार्ड किसे दिया गया? वो है सारा अली खान जी को। वो केदारनाथ मूवी के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आईफा अवार्ड 2019 में बेस्ट फिर से डेब्यू अवार्ड मेल का अवार्ड किसे दिया गया? वो है ईशान खट्टर जी को। धड़क फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया गया है। किसको? ईशान खट्टर को बेस्ट डेब्यू अवार्ड मेल। टेंथ की बात करूँ, आईफा अवार्ड 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड है ये फिल्म जगत का, वो दिया गया इस बार जगदीप जेफरी जी को। इन्हें हास्य कॉमेडियन है ये, अभिनेता के रूप में जाने जाते, कॉमेडियन है ठीक है, उनके रूप में इनको जाना जाता है। आईफा अवार्ड 2019 पिछले 20 सालों में एक निर्देशक द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया गया, जो कि 20 सालों में अच्छा प्रदर्शन है ठीक है, वो किसे दिया गया? वो है राजकुमार हिरानी जी को दिया गया। संजू मूवी के लिए ये अवार्ड इस बार उन्हें दिया गया। किसे? राजकुमार हिरानी जी को। आईफा अवार्ड 2019 20 सालों में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे दिया गया? वो है रणवीर कपूर जी को बर्फी मूवी के लिए ये अवार्ड दिया गया। कौन सी मूवी के लिए? बर्फी। किसे? रणवीर कपूर को दिया गया है आईफा अवार्ड 2019 20 सालों में बेस्ट एक्टर अवार्ड मेल।
आईफा अवार्ड 2019 में 20 सालों में बेस्ट एक्टर अवार्ड फीमेल एक्ट्रेस, ठीक है, जो फीमेल एक्ट्रेस हैं वो अवार्ड दिया गया किसे, यहाँ पे एक्ट्रेस होगा एक्टर नहीं होगा, ठीक है, फीमेल एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है वो है दीपिका पादुकोण जी को। किस मूवी के लिए दिए, चेन्नई एक्सप्रेस के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। आईफा अवार्ड 2019 20 सालों में बेस्ट फिल्म अवार्ड किस फिल्म को मिला, वो है कहो ना प्यार मूवी को ये अवार्ड दिया गया। ओके, आईफा अवार्ड 2019 कहाँ हुआ, वो हुआ मुंबई में। कब हुआ था, 18 सितंबर 2019 में। और आईफा की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, 18th ये अवार्ड था, आईफा अवार्ड 18 था, और इसको होस्ट किया था आयुष्मान खुराना जी ने। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय। आई होप आपको ये हमारा सेशन बढ़िया लगा होगा, कमेंट करें, और आपको पीडीएफ भी बहुत जल्दी इसकी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।